हेलो फ्रेंड्स, होममेड क्राफ्टिंग में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में मैं आपको थालपोश बनाना बताऊंगी कैसे बनाते हैं। देखिए, इसके लिए मैंने ये बोली है 3.5 मिलीमीटर का मैंने ये क्रोशिया हुक लिया है। देखिए, अब मैं थालपोश को बनाती हूँ। आप इसको मैट भी बना सकते हैं। देखिए, धागा लेने के बाद इस तरह से मैं नोट बांधूंगी। ये मैंने नोट बांध ली है। अब नोट बांधने के बाद इसमें मैं 6 की चेन बनाऊंगी। 1, 2, 3, 4, 5 और 6। ये मैंने 6 की चेन डाल दी है। अब मैं इसको स्लिप स्टिच लेते हुए ज्वाइन कर देती हूँ। इस तरह से इसको ज्वाइन करना है। देखिए, इसको मैंने ये ज्वाइन कर दिया है। देखिए, इस तरह से ये रिंग बन गई है। अब देखिए, मैं इसमें 3 की चेन बनाऊंगी। 1, 2, 3 की चेन और डबल क्रोशिया। देखिए, ये हो गए हैं चेन को मिलाकर 2 डबल क्रोशिया। और देखिए, इसमें रिंग में डालना है 16 डबल क्रोशिया। इस रिंग में मैंने ये 16 डबल क्रोशिया डाल दिए हैं चेन को मिलाकर। अब देखिए, मैं इसको स्लिप स्टिच लेते हुए ज्वाइन कर दूंगी। इस तरह से मैंने इसको ज्वाइन कर दिया है। देखिए, इस तरह से ये आ गई है रिंग बनकर। देखिए, अब देखिए मैं इसकी नेक्स्ट रो बनाती हूँ। 1, 2, 3 की चेन और डबल क्रोशिया। देखिए, चेन को मिलाकर हो गए हैं ये 2 डबल क्रोशिया। अब 1, 2, 3 की चेन। देखिए, 1 चेन को स्किप करना है और नेक्स्ट चेन में डबल क्रोशिया डालना है। इस तरह से 1 चेन में 2 डबल क्रोशिया। देखिए, फिर 1, 2, 3 की चेन और 1 चेन को स्किप करना है, नेक्स्ट चेन में डबल क्रोशिया को डालना है। तरह से डबल क्रोशिया को डालना। 1, 2, 3 की चेन, 1 चेन को स्किप करना है, नेक्स्ट चेन में डबल क्रोशिया को डालना है। इस तरह से ये रो को कंप्लीट करना है। इस तरह से आएगी ये रो बनकर। देखिए, इस तरह से ये रो भी मैंने कंप्लीट कर दी है। अब 1, 2, 3 की चेन। अब देखिए, मैं इसको स्लिप स्टिच लेते हुए यहाँ पर ज्वाइन कर देती हूँ। इस तरह से इसको ज्वाइन करना है। ये मैंने ज्वाइन कर दिया है। देखिए, इस तरह से अब आ गया है। देखिए, फिर मैं 3 की चेन बनाऊंगी और डबल क्रोशिया डालूंगी। ये हो गए हैं 2 डबल क्रोशिया चेन को मिलाकर। फिर चेन में डालूंगी मैं 2 डबल क्रोशिया। देखिए यहाँ पर, फिर 1, 2, 3 की चेन। और देखिए, यहाँ पर डालना है डबल क्रोशिया। 1 डबल क्रोशिया और एक ये 2 डबल क्रोशिया। फिर चेन में डालना है 2 डबल क्रोशिया। 1 डबल क्रोशिया और ये 2 डबल क्रोशिया। देखिए, 1, 2, 3 की चेन और डबल क्रोशिया। इस तरह से ये रो भी मैंने अब बना ली है, कंप्लीट कर दी है। यहाँ पर ज्वाइन करना है। इस तरह से मैंने ये ज्वाइन कर दिया है। इस तरह से बनकर आ गई है। इसकी ये 3rd रो बन गई है। अब मैं इसकी 4th रो बनाती हूँ, 4th रो, वो भी इसी तरह से बनानी है। 1, 2, 3 की चेन और डबल क्रोशिया।
4 और ये 5 और एक ये 6। ये मैंने इसमें ये 6 डबल क्रोशिया डाल दिए हैं। अब 1 2 3 की चेन और फिर से 6 डबल क्रोशिया डालना है। 1 2 3 4 5 और एक ये 6। देखिए ये मैंने 6 डबल क्रोशिया डाल दिया है, यहाँ भी मैंने 6 डबल क्रोशिया डाला है। अब 1 2 3 की चेन, इस तरह से डबल क्रोशिया डालना है। थ्री की चेन और 6 डबल क्रोशिया इस तरह से डालते हुए रो को कंप्लीट करना है। देखिए इस तरह से मैंने ये रो भी अब कंप्लीट कर दी है। देखिए 6 डबल क्रोशिया और 3 की चेन डाले हैं मैंने इसमें। अब देखिए मैं इसको स्लिप स्टिच लेते हुए ज्वाइन कर देती हूँ। ज्वाइन करना है इसको, ज्वाइन करना है तो यहाँ पर ज्वाइन कर देना है। इस तरह से मैंने इसको ये ज्वाइन कर दिया है। अब देखिए मैं इसकी 5th रो बनाती हूँ, 5वीं रो। 1 2 3 3 की चेन और डबल क्रोशिया। देखिए इसी तरह से डबल क्रोशिया को डालना है। यहाँ पे चेन में डालना है 2 डबल क्रोशिया। ये हो गए 6 7 8, 8 डबल क्रोशिया मैंने इसमें डाल दिए हैं। अब 1 2 3 3 की चेन और 8 डबल क्रोशिया। 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। 1 2 3 3 की चेन डबल क्रोशिया, 8 डबल क्रोशिया। देखिए इस तरह से रो को कंप्लीट करना है। 8 डबल क्रोशिया, 3 की चेन, पूरी रो को कंप्लीट करना है। देखिए इस तरह से ये रो भी मैंने कंप्लीट कर दी है। 8 डबल क्रोशिया और 3 की चेन ही डाले हैं मैंने इसमें। देखिए मैं इसको स्लिप स्टिच लेते हुए ज्वाइन कर देती हूँ और आगे की रो बनाती हूँ मैं। 3 की चेन, अब देखिए मैं इसको स्लिप स्टिच लेते हुए यहाँ पर ज्वाइन कर देती हूँ। इस तरह से मैंने इसको ज्वाइन कर दिया है। देखिए 1 2 3 3 की चेन और डबल क्रोशिया। थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन और ये 10। देखिए इसमें मैंने ये 10 डबल क्रोशिया डाल दिए हैं। अब 1 2 3 3 की चेन और 10 डबल क्रोशिया। थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन सेवन एट नाइन और ये 10। 1 2 3 3 की चेन और डबल क्रोशिया। देखिए
3 की चेन और 10 डबल क्रोशिया डालते हुए रो को कंप्लीट करना है। 10 डबल क्रोशिया डालना है पूरी रो में। देखिए इस तरह से मैंने ये 3 की चेन और 10 डबल क्रोशिया डालते हुए रो को कंप्लीट कर दिया है। रो कंप्लीट कर दिया है। अब देखिए मैं इसकी नेक्स्ट रो बनाती हूँ। देखिए अब मैं इसको स्लिप स्टिच लेते हुए ज्वाइन कर देती हूँ। मैंने इसको ज्वाइन कर दिया है। अब 1 2 3 3 की चेन और डबल क्रोशिया, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 12 डबल क्रोशिया, फिर 1 2 3 3 की चेन और फिर से 12 डबल क्रोशिया और एक ये 12, फिर 1 2 3 3 की चेन। इस तरह से देखिए 12 डबल क्रोशिया और 3 की चेन बनाते हुए रो को कंप्लीट करना है। देखिए इस तरह से मैंने 12 डबल क्रोशिया और 3 की चेन डालते हुए रो को कंप्लीट कर दिया है और इसकी ये 7th रो भी अब मैंने कंप्लीट कर दी है। अब देखिए मैं इसको स्लिप स्टिच लेते हुए ज्वाइन कर देती हूँ। देखिए इस तरह से ज्वाइन करना है। ये मैंने ज्वाइन कर दिया है। देखिए अब 1 2 3 3 की चेन और डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया, ये 2 हो गए हैं। 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। देखिए इसमें मैंने ये 10 डबल क्रोशिया डाल दिए हैं। अब 10 डबल क्रोशिया डालने के बाद 1 2 2 की चेन और यहाँ 3 की चेन में डालूँगी मैं यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया, 1 2 और ये 3। देखिए 2 की चेन, 3 डबल क्रोशिया और यहाँ पर 10 डबल क्रोशिया। अब 1 2 2 की चेन और 10 डबल क्रोशिया। और ये 10, देखिए 10 डबल क्रोशिया डाल दिए हैं। अब 1 और एक ये 2, 2 की चेन और यहाँ चेन में डालना है 3 डबल क्रोशिया, 1 2 और ये 3, फिर 2 की चेन और 10 डबल क्रोशिया। इस तरह से रो को कंप्लीट करना है। 10 डबल क्रोशिया, 2 की चेन, 3 डबल क्रोशिया, 2 की चेन, 10 डबल क्रोशिया, 2 की चेन, 3 डबल क्रोशिया। इस तरह से रो को कंप्लीट करना है। देखिए इस तरह से ये रो भी अब मैंने कंप्लीट कर दी है। इसमें मैंने 10 डबल क्रोशिया, 2 की चेन और 3 डबल क्रोशिया, फिर 2 की चेन और 10 डबल क्रोशिया इस तरह से डाले हैं। इसको मैं स्लिप स्टिच लेते हुए यहाँ पर ज्वाइन कर देती हूँ। ज्वाइन कर दिया है। अब 1 2 3 3 की चेन और डबल क्रोशिया, 2 3 4 5 6 7 और ये 8। देखिए अब मैंने ये 8 डबल क्रोशिया डाल दिए। इसमें मैं 8 डबल क्रोशिया डालूंगी। 2 डबल क्रोशिया को मैंने यहाँ पर कम कर दिया है। 8 डबल क्रोशिया, 1 2 2 की चेन और 3 डबल क्रोशिया, 1
टू और ये थ्री, फिर वन टू की चेन और थ्री डबल क्रोशिया। थ्री डबल क्रोशिया, फिर वन टू टू की चेन और एट डबल क्रोशिया। और एट, देखिए मैंने ये एट डबल क्रोशिया डाल दिए हैं। अब वन टू टू की चेन, देखिए यहाँ पे डालूंगी मैं थ्री डबल क्रोशिया, टू और एक ये थ्री, फिर वन टू टू की चेन और थ्री डबल क्रोशिया। देखिए इसी तरह से रो को कंप्लीट करना है। देखिए इस तरह से मैंने ये रो भी कंप्लीट कर दी है। देखिए एक डबल क्रोशिया डाले हैं, देखिए इस तरह से ये डिज़ाइन आ रहा है। देखिए अब इसकी मैं ये दसवीं रो बनाती हूँ। टू की चेन ले ली है, अब इसको मैं स्लिप स्टिच लेते हुए यहाँ पर ज्वाइन कर दूँगी। इसको मैंने ज्वाइन कर दिया है। अब वन टू थ्री, थ्री की चेन और डबल क्रोशिया, ये हो गए टू डबल क्रोशिया, थ्री फोर फाइव सिक्स। देखिए ये मैंने सिक्स डबल क्रोशिया डाल दिए हैं। अब यहाँ से टू डबल क्रोशिया मैंने कम कर दिए हैं। वन टू टू की चेन और थ्री डबल क्रोशिया। टू की चेन और थ्री डबल क्रोशिया, टू की चेन और थ्री डबल क्रोशिया। देखिए इस तरह से, फिर वन टू टू की चेन और सिक्स डबल क्रोशिया, वन टू थ्री फोर फाइव और ये सिक्स। देखिए टू की चेन और थ्री डबल क्रोशिया। टू की चेन, थ्री डबल क्रोशिया। देखिए इसी तरह से रो को कंप्लीट करना है। इसी तरह से ये रो बनकर आएगी। देखिए इस तरह से अब ये रो भी मैंने कंप्लीट कर दी है। देखिए इस तरह से डिज़ाइन आ रहा है। देखिए यहाँ पर सिक्स डबल क्रोशिया रह गए हैं और यहाँ पे थ्री थ्री डबल क्रोशिया। पहले वन, फिर ये टू हो गए, फिर ये थ्री हो गए। इस तरह से मैं ये डिज़ाइन डाल रही हूँ इसमें। अब देखिए मैं इसकी नेक्स्ट रो बनाती हूँ। वन और एक ये टू, टू की चेन। अब देखिए मैं इसको स्लिप स्टिच लेते हुए ज्वाइन कर देती हूँ। इस तरह से ज्वाइन करना है। देखिए अब बुनना है वन टू थ्री, थ्री की चेन और डबल क्रोशिया, टू और ये थ्री। देखिए इसमें अब थ्री डबल क्रोशिया बुनना है, ये नहीं बुनना है आगे को थ्री डबल क्रोशिया। अब वन और एक ये टू, टू की चेन और यहाँ पर बुनना है थ्री डबल क्रोशिया। इस तरह से बुनना है, फिर वन टू टू की चेन और थ्री डबल क्रोशिया। वन टू टू की चेन, थ्री डबल क्रोशिया। वन टू की चेन और थ्री डबल क्रोशिया। देखिए इस तरह से
अब डालना है 1 2 2 की चेन और यहाँ पे डालना है डबल क्रोशिया 1 2 और ये 3। देखिए मैंने 3 डबल क्रोशिया डाल दिए हैं 2 की चेन और अब इसमें डालना है 3 डबल क्रोशिया 2 और एक ये 3 2 की चेन 3 डबल क्रोशिया और ये 3। इसी तरह से रो को बुनना है, कंप्लीट करना है 3 डबल क्रोशिया डालते हुए। देखिए इस तरह से मैंने ये रो भी अब कंप्लीट कर दी है। देखिए 3 डबल क्रोशिया डालते हुए ये रो भी अब मैंने कंप्लीट कर दी है। देखिए इस तरह से आई है ये रो बनकर, तो मैं बुनती हूँ। देखिए अब मैंने ये 2 की चेन बना ली है। मैं इसको स्लिप स्टिच लेते हुए यहाँ पे ज्वाइन कर दूँगी। इसको मैंने ज्वाइन कर दिया है। अब स्लिप स्टिच लेते हुए आगे बढ़ाना इस तरह से। ये मैंने आगे को बढ़ा दिया है। अब यहाँ पर 1 2 3 की चेन और डबल क्रोशिया 1 डबल क्रोशिया और एक ये 2 डबल क्रोशिया। देखिए ये मैंने 3 डबल क्रोशिया डाल दिए हैं। अब 1 2 की चेन और 3 डबल क्रोशिया 2 और ये 3 1 2 की चेन। अब देखिए यहाँ पर डालना है 2 डबल क्रोशिया। देखिए यहाँ पे ये मैंने 2 डबल क्रोशिया यहाँ पर डाल दिए हैं। 1 2 की चेन और 3 डबल क्रोशिया 2 डबल क्रोशिया। देखिए इस तरह से ये डिजाइन आएगा और ये 3 वाली डबल क्रोशिया जो है ये कम होते जाएंगे यहाँ से। अभी 2 में पड़ेंगे फिर बनने, इस तरह से ये डिजाइन आएगा। देखिए इस तरह से ये रो भी मैंने अब कंप्लीट कर दी है। देखिए यहाँ पर डाले हैं मैंने 2 डबल क्रोशिया यहाँ पर और यहाँ पर, और बाकी जगह डाले हैं मैंने ये 3 डबल क्रोशिया। देखिए और इस तरह से मैंने इसको रो को कंप्लीट कर दिया है। देखिए अब मैं इसकी नेक्स्ट रो बनाती हूँ। 1 2 की चेन। अब देखिए मैं इसको स्लिप स्टिच लेते हुए ज्वाइन कर दूँगी। इस तरह से मैंने इसको ज्वाइन कर दिया है। अब देखिए स्लिप स्टिच लेते हुए आगे बढ़ाना है इस तरह से। देखिए इसको मैंने आगे बढ़ा दिया है। अब 1 2 3 की चेन और डबल क्रोशिया, ये मैंने 3 डबल क्रोशिया डाल दिए हैं। 2 की चेन और डबल क्रोशिया। चेन और 3 डबल क्रोशिया। इस तरह से मैंने ये डबल क्रोशिया डाल दिए हैं। अब देखिए मैं यहाँ पे डालूंगी 2 डबल क्रोशिया 1 डबल क्रोशिया और एक ये 2 डबल क्रोशिया। ये हो गए 3 4 5 और एक ये 6। देखिए यहाँ पर मैंने ये 6 डबल क्रोशिया डाल दिए हैं। फिर 1 2 की चेन और 3 डबल क्रोशिया 1 2 की चेन 3 डबल क्रोशिया।
3 डबल क्रोशिया। अब यहाँ पर डालना है 6 डबल क्रोशिया। टू थ्री फोर फाइव और एक ये 6। देखिए इस तरह से ये डिज़ाइन आएगा। देखिए और पूरी रो इसी तरह से कंप्लीट करनी है। देखिए इस तरह से मैंने अब ये रो भी कंप्लीट कर दी है। देखिए इस तरह से बनकर आई है ये रो। देखिए मैं इसको स्लिप स्टिच देते हुए ज्वाइन कर देती हूँ। इस तरह से ज्वाइन करना है, ज्वाइन कर दिया है। देखिए फिर मैं ये स्लिप स्टिच लेते हुए आगे बढ़ाऊँ इस तरह से। वन टू थ्री, थ्री की चेन और डबल क्रोशिया, ये हो गए हैं 3 डबल क्रोशिया। फिर 2 की चेन, 3 डबल क्रोशिया। देख 1 2 2 की चेन, यहाँ पर भी डालना है 3 डबल क्रोशिया। 1 2 3, ये हो गए 3 डबल क्रोशिया। 4 5 6 7 8 9 10, 11 और एक ये 12। देखिए यहाँ पर मैंने ये 12 डबल क्रोशिया डाल दिए। फर्स्ट टाइम मैंने ये 2 डाले थे, फिर मैंने ये 6 डाले हैं, अब मैंने इसमें ये 12 डबल क्रोशिया डाले हैं। इस तरह से मैंने ये डाले हैं। 1 2 2 की चेन और 3 डबल क्रोशिया। 1 2 और ये 3, फिर 1 2 2 की चेन और 3 डबल क्रोशिया। फिर 1 2 की चेन। अब देखिए यहाँ पर डालूंगी मैं 12 डबल क्रोशिया। 12 डबल क्रोशिया डालने हैं। 2 की चेन, पहले डालूंगी 3 डबल क्रोशिया। 1 2 और ये 3, 3 4 11 और एक ये 12। देखिए 12 डबल क्रोशिया मैंने डाल दिए यहाँ पर भी, पहले 2 फिर 6 फिर 12। इस तरह से रो को कंप्लीट करना है, इस तरह से डबल क्रोशिया डालते हुए। देखिए इस तरह से ये रो भी मैंने अब कंप्लीट कर दी है। इसमें मैंने ये 12 डबल क्रोशिया डाले हैं और बाकी 2 जगह डाले हैं ये 6 डबल क्रोशिया और 2 की चेन। देखिए इस तरह से मैंने ये पूरी रो कंप्लीट कर दी है। देखिए मैं इसकी नेक्स्ट रो बनाती हूँ। वन और एक ये 2, 2 की चेन। देखिए मैं इसको स्लिप स्टिच लेते हुए ज्वाइन कर देती हूँ। इस तरह से ज्वाइन कर दिया है। देखिए स्लिप स्टिच लेते हुए आगे बढ़ाना इस तरह से। 1 2 3, 3 की चेन और डबल क्रोशिया, ये हो गए हैं 3 डबल क्रोशिया। देखिए 1 2 2 की चेन और 3 डबल क्रोशिया डालना है पहले। 3
चेन में 3 डबल क्रोशिया, 3 4 17 और ये 18। देखिए मैंने इसमें ये 18 डबल क्रोशिया डाल दिए हैं। 1 2 2 की चेन और 3 डबल क्रोशिया, 1 2 और 3, फिर 1 2 2 की चेन, फिर से इसमें 18 डबल क्रोशिया डालने हैं। देखिए यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया और बाकी जगह ये 18 डबल क्रोशिया डालते हुए रो को कंप्लीट करना है। तो इस तरह से बनकर आया है ये डिज़ाइन, इस तरह से है। ठीक है, इस तरह से रो को अब मैंने ये कंप्लीट कर दिया है। अब देखिए मैं इसकी नेक्स्ट रो बनाती हूँ। 1 और एक ये 2 की चेन। अब मैं इसको देखिए स्लिप स्टिच लेती हूँ, ज्वाइन कर देती हूँ इसको। मैंने ये ज्वाइन कर दिया है। देखिए अब देखिए स्लिप स्टिच लेते हुए आगे बढ़ाना है। इस तरह से मैंने ये आगे को बढ़ा दिया है। अब 1 2 3 की चेन और डबल क्रोशिया, 1 डबल क्रोशिया और एक ये 2 डबल क्रोशिया, ये हो गए 3 डबल क्रोशिया। देखिए इसमें मैं ये 24 डबल क्रोशिया डालूँगी। 3 हो गए हैं, 4 5 देखिए अब यहाँ से यहाँ तक मैंने ये 24 डबल क्रोशिया डाल दिए हैं। अब 1 2 2 की चेन और फिर 24 डबल क्रोशिया डालना है। देखिए यहाँ तक देखिए इसी तरह से 24 डबल क्रोशिया और 2 की चेन डालते हुए रो को कंप्लीट करना है। देखिए इस तरह से मैंने ये 24 डबल क्रोशिया डालते हुए रो को कंप्लीट कर दिया है। पूरे में मैंने ये 24 डबल क्रोशिया डाले हैं। देखिए मैं इसकी अब नेक्स्ट रो बनाती हूँ। देखिए इस तरह से अब मैं स्लिप स्टिच लेते हुए ज्वाइन कर देती हूँ। ये मैंने ज्वाइन कर दिया है। अब देखिए यहाँ तक डबल क्रोशिया ही बुनने हैं यहाँ तक। 1 2 3 की चेन और डबल क्रोशिया, 2 की चेन बनाई थी, यहाँ पर भी मैं 2 डबल क्रोशिया बनाऊंगी। 1 डबल क्रोशिया और ये 2 डबल क्रोशिया। देखिए यहाँ पर मैंने ये 2 डबल क्रोशिया बना दिए हैं, बुन दिए हैं। अब इसी तरह से पूरी रो में डबल क्रोशिया बुनना है। इसी तरह से डबल क्रोशिया को बुनना है और यहाँ पर बुनना है 2 डबल क्रोशिया। यहाँ पर रो को कंप्लीट करना है इस तरह से बुनते हुए। देखिए इस तरह से मैंने ये रो भी कंप्लीट कर दी है। देखिए सिंगल डबल क्रोशिया ही डाले हैं पूरी रो में। देखिए देखिए नेक्स्ट रो बनानी है। देखिए अब मैं इसको स्लिप स्टिच लेते हुए ज्वाइन कर देती हूँ। इस तरह से मैंने इसको ज्वाइन कर दिया है। देखिए अब देखिए फिर मैं बुनती हूँ। 1 2 और ये 3 की चेन और डबल क्रोशिया, पूरी रो में डबल क्रोशिया। देखिए इसी तरह से ये सिंगल डबल क्रोशिया डालते हुए
रो को कंप्लीट करना है। देखिए इस तरह से मैंने ये रो भी कंप्लीट कर दी है। देखिए इस तरह से आई है ये रो बनकर। देखिए सिंगल डबल क्रोशिया ही डाले हैं पूरे में मैंने थाल पोस में। देखिए मैं इसको स्लिप स्टिच लेते हुए ज्वाइन कर दूंगी। ये मैंने ज्वाइन कर दिया है। अब देखिए मैं इसका बॉर्डर बनाती हूँ लास्ट रो। अब देखिए नेक्स्ट चेन में सिंगल क्रोशिया डालकर बुनना है इस तरह से। देखिए और अब देखिए 1 2 2 चेन को स्किप करना है और थर्ड चेन में डबल क्रोशिया डालना है। 2 3 और ये 4, फिर 1 चेन और 4 डबल क्रोशिया एक ही चेन में डालना है। ये 8 डबल क्रोशिया, 3 और एक ये 4। देखिए टोटल हो गए हैं ये 8 डबल क्रोशिया। 1 2 2 चेन को स्किप करना है और थर्ड चेन में सिंगल क्रोशिया डालना है इस तरह से। और 1 2 2 चेन को स्किप करना है और देखिए थर्ड चेन में 8 डबल क्रोशिया डालना है। 1 2 3 4 फिर 1 चेन और 4 डबल क्रोशिया। देखिए इस तरह से आएगा ये बॉर्डर 8 डबल क्रोशिया डालते हुए। 1 2 2 चेन को स्किप करना है और थर्ड चेन में सिंगल क्रोशिया डालना है। फिर 1 2 2 चेन को स्किप करना है और थर्ड चेन में 8 डबल क्रोशिया डालना है। इसी तरह से 8 डबल क्रोशिया डालते हुए रो को कंप्लीट करना है। देखिए ये मैंने 8 डबल क्रोशिया डाल दिए हैं। अब 1 2 2 चेन को स्किप करना है और थर्ड चेन में सिंगल क्रोशिया डालना है इस तरह से। देखिए और फिर 1 2 2 चेन को स्किप करना है और थर्ड चेन में डालना है 8 डबल क्रोशिया। फोर डबल क्रोशिया, 1 चेन और 4 डबल क्रोशिया, टोटल हो जाएंगे ये 8 डबल क्रोशिया। देखिए ये देखिए मैंने 8 डबल क्रोशिया डाल दिए हैं। अब देखिए 1 और एक ये 2 2 चेन को स्किप करना है और जहाँ पर मैंने ये सिंगल क्रोशिया डाला है ये शुरू में वहाँ पर इसको ज्वाइन कर देना है इस तरह से। स्लिप स्टिच लेते हुए देखिए ज्वाइन कर देना है इस तरह से। इसको मैंने ज्वाइन कर दिया है। अब ये देखिए थाल पोस मैट कंप्लीट हो गया है। देखिए इस तरह से ये बॉर्डर आया है बनकर। ये थाल पोस कंप्लीट हो गया है मैट। देखिए आप इसके लिए 100 ग्राम बूल ले लें। मैंने भी ये 100 ग्राम ली थी बूल और 100 ग्राम में से ये इतनी बची है। आप इसके लिए 100 ग्राम ले लें। देखिए इस तरह से आया है ये, बहुत ही सुंदर लग रहा है। देखिए आप मुझे कमेंट में लिखिए कि आपको ये थाल पोस कैसा लगा और इसको आप बनाइए। ये थाल पोस अब मैंने कंप्लीट कर दिया है। ये बहुत ही सुंदर लग रहा है देखने में। अगर आपको ये वीडियो मेरी पसंद आई तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को भी आप सब्सक्राइब करें। थैंक यू।